नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र सिंह झाला। आज से हमारा यहीं से सफ़र शुरू होता है, कच्छ से कुरुक्षेत्र तक। हम प्राकृतिक कृषि के लिए वहां हमारे राज्यपाल जी की जो खेती है, किसानी है, वो हम देखने जा रहे हैं। तो अभी मैं मेरे गांव से निकल रहा हूं और बहुत सारे किसान अपने अपने गांव से निकले हैं। तो 50 किसान हम जा रहे हैं प्राकृतिक कृषि देखने के लिए राज्यपाल जी की फार्म पर, आचार्य देवव्रत जी के फार्म पर। बस आ चुकी है हमारी, तो चलिए हमारे साथ सफ़र में। अभी मैं भूज जा रहा हूँ और कुरुक्षेत्र तक हर एक दिन का हर एक व्लॉग आएगा, तो 8 दिन तक मेरे साथ बन। तो दोस्तों, आज हमारा का आज का प्रवास शुरू हो चुका है। अभी मैं भूज पहुँच गया हूँ और हरियाणा के लिए खाना खा कर निकलेंगे 12-1 बजे के बाद। तो अभी भी हमारे साथीदार सब किसान भाई हमारे साथ धीरे धीरे जुड़ते रहेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ। पूरे 8 दिन हम कुरुक्षेत्र का प्रवास करेंगे और उधर खेती बाड़ी और प्राकृतिक खेती और इसके साथ नई नई टेक्नोलॉजी खेती के बारे में उन सब की जानकारी देंगे। तो पूरे रास्ते बने रहिएगा मेरे साथ। तो अभी हम आ गए हैं खेतीबाड़ी तालीम केंद्र और यहाँ से सब किसान साथ होकर बस में निकलेंगे। कच्छ से कुरुक्षेत्र हरियाणा का सफ़र तय करेंगे, तो पूरे सफ़र मेरे साथ बने रहिएगा। 8 दिन का सफ़र है और इसमें हम प्राकृतिक खेती साथ में सभी टेक्नोलॉजी किसान खेतीबाड़ी की वो देखेंगे। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ और कमेंट में बोलिएगा कि कौन कौन हरियाणा कुरुक्षेत्र गया है, तो अभी कमेंट जरूर दीजिएगा। तो अभी हम सब किसान साथ में आ चुके हैं, जीवराज भाई भी हमारे साथ हैं और बहुत सारे किसान आ चुके हैं। क्या जीवराज भाई, कैसा लगता है अभी, मजा आएगा कि नहीं आएगा? वो तो आएगा तब बताएंगे, आएगा कि नहीं आएगा पहले से कुछ बता नहीं सकते, लेकिन एक अच्छे से मिशन पे मैं तो ये दूसरी बार जा रहा हूँ। महामहिम राज्यपाल श्री के जो फार्म है और गुरुकुल है वहाँ पे, 2016 में शिविर करने के बाद 2017 में हम गए थे, तब तो इतना किसी को पता नहीं था और तब आपको भी पता नहीं था, आपके पापा हमारे साथ अभी दूसरी जी है इसका मतलब। और मैं ये दूसरी बार जा रहा हूँ, ठीक है। गोपाल भाई आ चुके हैं और बहुत सारे किसान अभी नाना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 50 किसान हमारे साथ रहेंगे इस पूरी यात्रा में, 8 दिन की यात्रा है, तो बने रहेगा मेरे साथ आप। अभी समय बहुत हो गया है, पहले दिन ही अभी खाना बहुत लेट हो चुका है, तो देखते हैं कब तक हमें खाना मिलेगा। 12:30 बज चुके हैं, अभी तक हम निकले नहीं हैं यहाँ से भुज से। बस वाले को जाना हो गया था, सबका मुंह ढीला हो गया है, बस वाले को जाना हो गया था, उसके लिए लेट हो गए। तो फाइनली आज आप अभी फाइनली हमारा खाने का हो गया है शुरू हो गया है। 12:45 बजा है, अभी सब किसान भाई खाने के लिए तैयार। और खाना पिरोस भी रहे हैं हमारे किसान भाई हैं। बहुत बढ़िया सफर रहने वाला है, तो पूरी तरह से हमारे साथ बने रहिएगा। हमारी गाड़ी अभी आ चुकी है और हम बस चलने वाले हैं इसमें, तो देखते हैं क्या क्या होता है आगे। तो आखिरकार हम बैठ चुके हैं हमारी बस में, अब कब चलेगी वो तो पता नहीं, लेकिन सुबह से ये बहुत तंग कर रहा है, हर चीज का पता नहीं है। तो अभी 2 बज रहे हैं, 2 बजे निकले हैं,
देखते हैं जयपुर कब तक पहुँच रहे। कल दोपहर तक शायद पहुँचेंगे। कल का हॉल जयपुर में है और वहाँ पर ग्रीन हाउस सेट नेट ये सब हम जानेंगे। हेलो अभी गुजराती गरबे चालू हो चुके हैं। पहली बार हमारा स्टॉप हुआ है आज का दिन का, तो यहाँ पर चाय पियेंगे और हमारे साथ ये सब चाय पानी की व्यवस्था। अभी हम रापर के पास उतरे हैं चाय पानी के लिए। यहाँ पर श्री बापू जी की वाड़ी हिमसी भाई रखा भाई वदान परिवार वहाँ पर अभी चाय बनाएंगे और पियेंगे। तो बहुत बढ़िया जगह है यहाँ पर, गौ माता के लिए पानी पीने की व्यवस्था भी, बढ़िया बढ़िया पेड़ लगे हुए हैं। यहाँ पर हमारी चाय बनेगी अभी। करोड़ेश्वर महादेव का मंदिर भी है। यहाँ पर बहुत बढ़िया खेती भी हो रही है अभी नर्मदा आने के बाद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाजरा और हिरंडा खड़ा है और हम सब चाय पीने के लिए आराम करने के लिए रेस्ट में हम प्राकृतिक कृषि देखने के लिए ही निकले हैं। और यहाँ पर भी रापर के पास बहुत बढ़िया प्राकृतिक खेती होती है क्योंकि अभी अभी नर्मदा आई है तो यहाँ पर केमिकल का बहुत कम प्रयोग होता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बाजरा और कैस्टर एरंडी बोए हुए है। बहुत बढ़िया जगह है यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर रुके हैं हम और नज़ारे का मज़ा ले रहे हैं। चाय का टाइम हुआ है, अभी हमारी चाय बन रही है और हम सब पीने के लिए बेताब हैं। सब किसान भाई आराम कर रहे हैं अभी। अभी हम फिर से गाड़ी में बैठ चुके हैं और सब तैयार हैं जाने के लिए आगे। अभी क्या लाइटें शुरू हो चुकी हैं और अभी हम राधनपुर के पास रुके हैं खाने के लिए। ये हमारा खाना बनेगा, 8 बज चुके हैं, शायद 11 बजे तक खाना बनेगा। और पहला दिन बहुत टफ गया है, अभी पहला हॉल्ट है हमारा दूसरा। पहले चाय पीने के लिए रुके थे। तो मित्रों अभी 8:30 बज चुके हैं और हमारा खाना अभी बनने जा रहा है। यहाँ पर हम पेट्रोल पंप पर रुके हैं और हम और मैं और धीराज भाई लसन बोल रहे हैं, तो ऐसे मज़ा भी लिया जा सकता है।
कुछ लोग दुखी भी हैं हमारे साथ, लेकिन मजा कहीं से भी आ सकता है, बस आपको पता होना चाहिए लेने कहाँ से। सही है, अभी हम लहसुन बोल रहे हैं, आगे आगे देखिए, आज तो पहला दिन हो रही है, तो बहुत कुछ बढ़िया बढ़िया देखने को मिलेगा आपको, तो बने रहिएगा हमारे साथ और लेते रहिएगा कि कठिनाई में भी कैसे खुश रहा जाता है। अभी हमारे यहाँ एक मीटिंग चालू है और क्या खाना होगा सात दिन वो सब हम तय कर रहे हैं। खारी खिचड़ी और खारी पात, तीखे चावल के यहाँ पीछे से आवाज़ें आ रही है और यहाँ खाना बन रहा है अभी। तो अभी 9:30 बज चुके हैं, अभी हमारा खाना बन रहा है और यहाँ पर पीछे मीटिंग शुरू है कि सात दिन में क्या खाना होगा और क्या मिलेगा हमें। तो अभी मेन्यू तैयार हो रहा है वहाँ पर, तो बहुत मज़ा आने वाला है मुझे लगता है। सब अलग अलग जगह के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, तो आप भी बने रहिएगा और हमारे साथ मज़ा लीजिएगा इस सफ़र का, कच्छ से कुरुक्षेत्र तक का। यहाँ पर अभी चपाती बन रही है, सब्जियाँ तैयार है, साथ में हमारी खिचड़ी और कड़ी भी। वहाँ हमारा खाना तैयार हो रहा है और यहाँ पर बहुत बढ़िया सेवा हो रही है। खाता नहीं अभी दूध पिला रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया कुत्ते के बच्चे हैं पिल्ले। हमारे वडील जो है वो अभी पिरस रहे हैं हमें खाना। सब अलग अलग जगह से हैं, फिर भी बहुत बढ़िया संगठन बन चुका है हमारा। अभी फाइनली आज हमें खाना मिलेगा।